टॉवल में ऑलरेडी इतनी मिट्टी है कि मैं नहाया हुआ सब खराब हो गया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए ब्लॉग में। आज है 26 जनवरी और 26 जनवरी का आज कोविड प्रोटोकॉल की वजह से मेरे हिसाब से सोसाइटी में कोई फंक्शन होगा नहीं। देखते हैं, झंडा रोन तो होगा। चलते हैं नीचे, धूप भी निकल गई है। तो ये एडिटिंग कंप्लीट हो गई है और अब भोजन की तलाश करते हैं। लैपटॉप को अपन ने कर दिया शट डाउन, सुबह के वक्त गए 9 बजे, भूख लग गई है। तो चलते हैं रसोई में, देखते हैं क्या बन रहा है। क्या बन रहा है? पोए पोए बनेंगे, पोए गाजर मटर की सब्जी। टेबल पे झंडा रखा है, गार्ड साहब आ गए हैं। जब तक नाश्ता तैयार होता है तब तक अपन चलते हैं नीचे। तो भाई हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रिपब्लिक डे का आनंद लेने के लिए। सारे कबूतर लाइन से बैठे हैं धूप का आनंद लेने के लिए। तो गाड़ियाँ है नहीं और पानी लाने की समस्या हो गई है हमारे साथ, कैसे जाएं हम? आरओ हमने लगवा नहीं रखा है। गार्ड को बोल के आते हैं, देखें वो पानी की व्यवस्था करता है। तो पानी के लिए अपन ने बोल दिया है राकेश जी को, हो जाएगी शायद व्यवस्था। एक कहना हमारी भर दो ना। गाजर की सब्जी। बच्चों का वी आई पी मूवमेंट हो चुका है, अब कुछ देर में होगा झंडा रोहण। काफी लेट हो रहा है। तो बच्चे झंडा लेकर के आ गए। मुझे छाती से अपनी तू लगा देना है भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। जोरदार भारत, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। बहुत ही गौरवपूर्ण अनुभूति। स्वतंत्र दिवस का प्रसाद हमें मिल गया है। जोरदार तालियां, बजती रहे तालियां तो जोश भरपूर आ जाता है। काफी लंबे समय के बाद प्रोग्राम समाप्त हो गया है, हम अभी आनंद ले रहे हैं जयपुर में सोसाइटी के प्रोग्राम का। तो दादाजी की लिखी हुई एक पंक्ति याद आती है, कफन सिए वह जिसे सीना आता हो, कफन सिए वह जिसे सीना आता हो, मेरे साथ चले वह जिसे पसीना आता हो, और मेरी अर्थी को केवल वह कंधा दे जिसे आदमी बनकर जीना आता हो। तो इन्हीं पंक्तियों को साकार करते हमारे देशभक्त जो शहीद हो गए उन सभी को प्रणाम करता हूँ और 73वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। आपको याद है एक बार ये जो टंकी है ना यहाँ पे, ये वाली, इसमें सीवरेज की लाइन खुल गई थी। 8 इंची का नाला सीवरेज का इस टंकी में खुल गया और सब उसी पानी से नहाए धोए आराम से। कई लोगों की समायोजन के तो ये भी प्रतिक्रिया रही, बोले हमने तो आरो लगा रखा है, सीवरेज के पानी को कितना फिल्टर करेगा आरो। हम के बच्चों के 4 अपनी दाई शानदार वाली खाना खाएंगे। ये सुबह पोहे खा लिए थे तो भूख नहीं लगी, खाना खाते हैं और फिर चलते हैं कहीं घूमने। रायता, गाजर मटर की सब्जी और रोटी, मस्त वाला मजा आ जाएगा। तो वही शाम के बच चुके हैं 5 और हम जा रहे हैं मार्केट। ये खड़ी है भाई साहब मालियन, भगवान के मंदिर को देख के दर्शन करने का मन बना लिया इन्होंने। चलते हैं। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भाई साहब 4 गिलास मौसमी के, कैसी चाहिए? गरम गरम जलेबी बन रही है। मैं सर्किल पर टाइम लैप्स बनाने में बिजी हो गया, इनको दुकान मिल गई, ये लोग दुकान में घुस गए खरीदारी करने के लिए। बसंत पंचमी आ रही है, पीले कलर का ले लो। दिखाओ और दिखाओ करके पूरी दुकान तो घेर दी आप लोगों ने। खरीदारी पूरी हो गई है। ड्रेस आपने कितनी ड्रेस ली? आपने ठीक है, चलो अब घर पे। घर पे खरीदारी अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो घर पे चल के खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दही और नमकीन दलिया।
रात के बज चुके हैं 11, आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे समापन, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंगल मार्केट में एक तो है ना थाली और कटोरी जरूर लेके आएंगे, और आपके फोन की जरूरत लगेगा, और मेरे फोन के वो ग्लासर और एक कवर तो जरूरी नहीं है, कवर की जरूरत है। कल हम डब्ल्यूटी पे जाके आएंगे और जीजी से मिलके आएंगे, कल ममता से मिलने भी जाना है। कितनी बजे जान? सुबह अर्ली मॉर्निंग। What if I'll never get it right?